क्रिकेट के फैंस चाहने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जिस पल जिस वक्त का हम लोग 19 नवंबर से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो इंतजार की घड़ियां खत्म ही हो चुकी हैं। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले को लेकर के दोबारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। और महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई और आईसीसी ने और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कर दिया बहुत ही बड़ा ऐलान, जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। क्रिकेट के चाहने वाले और प्रेमी लोगों के आंख से आंसू छलक आएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर और खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को 50,000 लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आप सभी को बता दूं, कमेंट बॉक्स में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला जल्द हो जरूर लिखिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले को लेकर के दोबारा तारीख क्लियर हो चुकी है, समय भी क्लियर हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने और आईसीसी बीसीसीआई ने आखिरकार क्या बयान दिए हैं जब उनको सारे सबूत दिखाए गए, आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, हम आपको बता दें कि 10 मुकाबले लगातार हमारी भारतीय टीम जीतते हुए आ रही थी, आखिरकार 11वें यानी कि फाइनल मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी भारतीय टीम को काफी तगड़ी और बुरी हार मिली, आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। ये बात 19 नवंबर 2023 की है, दिन रविवार, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक मुकाबला रहा। इस मुकाबले को देखने के लिए भारत के कोने कोने से हर बच्चा अपनी छत के नीचे इस मुकाबले को देख रहा था और बस यही आस लगाए बैठा था कि कैसे ही भारत की जीत हो। लेकिन भारत की हार के बाद कई लोगों की आंख से आंसू छलक आए और उनका सपना और उनकी उम्मीद टूट गई। लेकिन उनके उम्मीद की एक किरण फिर से जिंदा हो चुकी है। बीसीसीआई और आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम और भारत के पीएम की मीटिंग में बहुत ही बड़े ऐलान कर दिए हैं। शायद अगर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी जोर ना लगाते तो ये मुकाबला फाइनल दोबारा नहीं हो पाता, आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जब वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टॉस उछाला गया तो भारतीय टीम टॉस हार गई और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। बल्लेबाजी करने के लिए हमेशा की तरह रोहित शर्मा और शुभमन गिल गए, पूरे फॉर्म में दिख रहे थे। हालांकि शुभमन गिल 4 रन बनाकर के आउट हो गए तो रोहित शर्मा को काफी ज्यादा शंका हुई, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने आप को संभाला और 21 गेंदों में 47 रन ठोक डाले। हालांकि जो भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का आता था, रोहित शर्मा उस गेंदबाज के परखच्चे उड़ाकर चौके छक्के जड़ते थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐसा देखा नहीं गया क्योंकि वो जान चुकी थी आखिरकार अब फाइनल मुकाबला हम हार जाएंगे और वो बेईमानी के तौर तरीके अंपायर के साथ अपनाने लगी। अंपायर ने बहुत ही बड़ी भूल करके रोहित शर्मा को आउट बता दिया। वो कैसे, सारा का सारा माजरा यहीं पर है। मैं आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, मैक्सवेल के 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट नहीं थे, बल्कि ट्रेविस हेड ने खुद बताया कि जब मैंने वो कैच पकड़ा तो जमीन से टच करके कैच मेरे हाथ में आया था, लेकिन मैं उससे पहले कुछ बोल पाता लेकिन अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट बता दिया। लेकिन रोहित शर्मा वहां पर आउट नहीं थे। आप सभी को बता दूं कि मैक्सवेल ने खुद यह बयान दिया है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा आउट थे या इंडिया टीम की अब हार हो चुकी है, दोबारा मुकाबला नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। फिलहाल हमारे हिसाब से फाइनल मुकाबला होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नहीं होगा। अब T20 सीरीज चालू है।